हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप टेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं बच्चों, और इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित कैसे करेंगे, आज हम इसके बारे में आपका बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स, कुछ हेडिंग्स पढ़ चुके हैं जिसे आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी रासायनिक समीकरण है और वह असंतुलित है, तो असंतुलित कहने का क्या मतलब है बच्चों? जैसे कि हम आपका एक इक्वेशन लिख रहे हैं, हेयर एम जी react with oxygen and it will form your magnesium oxide। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर देखें, यदि यहाँ पर हम आपका देखें तो मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम एक है, O कितने हैं, O यहाँ पर कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, एक है बच्चों, और आपका O कितने हैं, दो हैं। ये आप गौर से देखिए, और यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, एक है, आपका ओ कितना है बच्चों, दो है, सॉरी ओ कितना है, एक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में मैग्नीशियम एक, दाएं पक्ष में मैग्नीशियम एक, मतलब ये तो संतुलित है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन बाएं पक्ष में दो, दाएं पक्ष में, यह आपका क्या असंतुलित है। तो कहने का पूरा मतलब निकला कि आपका जो रासायनिक समीकरण है बच्चों, ये क्या आपका असंतुलित है। अब हम बात करेंगे इसे हम संतुलित कैसे करेंगे। तो जैसा कि बच्चों हम आपको तीन स्टेप बताएंगे, ये तीनों स्टेप की सहायता से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, और जिस विधि से हम करेंगे इसे जांच एवं त्रुटि विधि कहते हैं। जांच एवं त्रुटि विधि से हम रासायनिक समीकरण को क्लास 10th में संतुलित करना सीखते हैं। तो ठीक है बच्चों, आओ हम इसे देखें। तो सबसे पहले आपको जांच एवं त्रुटि नियम में क्या करना होगा, संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि। संतुलित करने की विधि, तो बच्चों यदि हम बात करें संतुलित करने की विधि की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपका हम यहाँ पे एक एग्जांपल साथ में लेकर चलते हैं बच्चों, जिससे कि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो, जिससे बच्चों आपको ये हेडिंग ज़्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करने की विधि में आपके तीन पद हैं, कितने पद हैं बच्चों, तीन पद हैं। तो सबसे पहले दिए गए रासायनिक समीकरण में, दिए गए रासायनिक, दिए गए रासायनिक समीकरण में, दिए गए रासायनिक समीकरण में उपस्थित क्या बच्चों, उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद को, उपस्थित अभिकारक तथा, उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद को छोटे कोष्ठक में लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में बच्चों लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्ठक बच्चों लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक क्या बच्चों, यम जी, और ओटू क्या बच्चों, आपका अभिकारक है, और यम जी ओ आपका क्या है, बना हुआ प्रोडक्ट है, उत्पाद है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक बच्चों लिखेंगे
तो कहने का मतलब निकला ये आपका होता है छोटा कोष्टक का साइन। तो इसे बच्चों हमने कहाँ कर दिया, छोटे कोष्टक में लिख लिया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तब हम चलते हैं आपका दूसरे पॉइंट पे, सेकेंड स्टेप आपका क्या कहता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्टक में लिख लिए। दूसरा स्टेप हम आपका क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद की सहायता से, अभिकारक और उत्पाद की सहायता से इनकी हम सारणी बनाएंगे। तो दूसरा हम क्या काम करते हैं बच्चों, सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं हम, सारणी बनाते हैं। तो बच्चे बनाएंगे, इसे आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे आपका, क्रम संख्या लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, तत्व का नाम लिखेंगे। बच्चों अक्सर हम यहाँ पर गलती कर देते हैं, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, तत्व का नाम लिखेंगे। और नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे आपका बच्चों, अभिकारक में संख्या लिखेंगे बच्चों। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपका हम क्या लिखेंगे, उत्पाद में संख्या लिखेंगे, उत्पाद में उस तत्व की संख्या लिखेंगे। उत्पाद में डायरेक्टली संख्या लिख दे रहे हैं। अब इसका हम क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ये देखिए आपका, ये आपका कॉलम बन गया बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके कौन कौन से तत्व दिखाई पड़े बच्चों, एक तो आपका मैग्नीशियम है और एक बच्चों के आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है। तो कहने का मतलब निकला बच्चों कि क्रम संख्या हम एक ले लेते हैं आपका, और तत्व का नाम क्या रखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम रखते हैं। और कितने तत्व हैं बच्चों, दो हैं, इसलिए हमने दो क्रम संख्या आपका लगा ले रहे हैं यहाँ पर, एक और दो। और इसके बाद अपनी हमारी जो सारणी थी इसे हमने क्लोज कर दिया। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो आओ देखें तत्व का नाम एक क्या है, मैग्नीशियम है, और अगला तत्व क्या है आपका, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम अभिकारक में कितना, एक है, तो अभिकारक में से संख्या कितना लिखेंगे बच्चों, एक लिखेंगे। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, दो है बच्चों, तो हम इसका क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। उत्पाद में कितना है मैग्नीशियम, एक है बच्चों, तो हम इसका क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या क्या है बच्चों, दो है, सॉरी एक है, तो हम आपका क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। अब हम बात करते हैं आपका, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपका थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे तत्वों का संतुलन, हम तत्वों का संतुलन बच्चों कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आपका मैग्नीशियम तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन क्या बच्चों, असंतुलित है। तो जो सबसे ज़्यादा असंतुलित होता है, जो आपका असंतुलित होता है, हमने उस पर क्या लगा लिया, स्टार लगा दिया। तो कहने का मतलब बच्चों हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो आइए हम ऑक्सीजन को संतुलित करें। तो थर्ड स्टेप बच्चों हम क्या चलेंगे आपका, ऑक्सीजन का संतुलन। तो थर्ड स्टेप हम क्या चलेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का संतुलन। तो थर्ड स्टेप क्या है, हम लिखते हैं बच्चों तत्वों का संतुलन, तत्वों का संतुलन। तो तत्वों का संतुलन करेंगे बच्चों कैसे करेंगे, उचित गुणांक लगा करके, तत्वों के आगे बच्चों उचित गुणांक की सहायता से बच्चों, उचित गुणांक की सहायता से बच्चों हम तत्वों का क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें मैग्नीशियम संतुलित है और कौन असंतुलित है आपका, ऑक्सीजन क्या है बच्चों आपका, असंतुलित है। तो हम ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो आइए थर्ड स्टेप आपका क्या रहा, ऑक्सीजन का संतुलन रहा। तो पॉइंट नंबर जब फर्स्ट लिखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन थर्ड पॉइंट क्या रहा बच्चों, ये रहा तत्व का संतुलन, इसमें हम देख रहे हैं आपका ऑक्सीजन का संतुलन।
ऑक्सीजन का संतुलन कैसे हम करेंगे, सबसे पहले जो भी रासायनिक क्रिया आपको दी गई है, रासायनिक समीकरण दिया गया है, उसे हम जो कहते हो यहाँ पर लिखेंगे। तो आपका क्या दिया गया, एम जी प्लस ओ टू, एम जी प्लस ओ टू, और क्या बना था आपका एम जी ओ, इसे बच्चों क्या यहाँ पर लिखे, आपका ब्रैकेट पर लिखे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे आपका, देखिए यहाँ पर एक एम जी है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम दो का गुणा कर दें, टू का मल्टीप्लाई कर दें, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे आपका, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही टू का मल्टीप्लाई बच्चों किया, तो यहाँ पर देखिए आप मैग्नीशियम दो हो गए, ऑक्सीजन भी आपके क्या हो गए, दो हो गए, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, एक है। तो इसलिए अब सेकेंड स्टेप में आपका हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम जो असंतुलित हो गया उसे हम क्या करेंगे बच्चों, संतुलित करेंगे, मतलब मैग्नीशियम का संतुलन। तो मैग्नीशियम का संतुलन कैसे करेंगे बच्चों, तो एम जी प्लस ओ टू, और क्या रहा आपका, टू एम जी ओ रहा बच्चों। अब हमने यहाँ पर भी कैसे दो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आपका ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। अतः आप लिख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला, अतः रासायनिक समीकरण, अतः बच्चों रासायनिक समीकरण संतुलित है बच्चों, रासायनिक समीकरण बच्चों आपको क्या है, संतुलित है। तो बच्चों हमें आप हमने तीन स्टेप देखा कि सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद क्या करें बच्चों, इनका हम सारणी बनाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम तत्वों का संतुलन करेंगे, जो असंतुलित तत्व हैं बच्चों उनका उचित गुणांक लगा करके संतुलित करेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला, तीन पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे। तो पहला पॉइंट अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद को उचित गुणांक लगा करके संतुलित करना होता है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। तो तीन पॉइंट्स आपको ध्यान देने होते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, अभिकारक और उत्पाद को हम छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। अभिकारक उत्पाद को क्या रखते हैं बच्चों, हम छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे पद में क्या करते हैं बच्चों, हम अभिकारक और उत्पाद के संख्या के आधार पर हम सारणी बनाते हैं, जो ये आपका दिख रहा है, हमने सारणी बनाया बच्चों। और थर्ड स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, उचित गुणांक लगा करके तत्वों का हम संतुलन करते हैं। ये तीन स्टेप है बच्चों, आप केवल इन स्टेप को ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिएक्शन आपको मिलेगी जो क्लास टेंथ के तक है आपका, उससे आप आसानी से बाय दिस प्रोसेस यू कैन बैलेंस्ड। ओके बच्चों, अब हम आपकी बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है आपका एम जी प्लस ओ टू और एम जी ओ का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 90% मानकर चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये बच्चों, आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। और एक इक्वेशन की बात करें तो आओ सीखें, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको तीन पद याद रखने हैं। तो पहला पद बच्चों क्या है, अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्ठक में लिखना है। दूसरा पद बच्चों क्या है, आपको सारणी बनाना है। और तीसरा पद बच्चों क्या है, असंतुलित तत्वों को उचित गुणांक लगाकर बच्चों संतुलित करना है। तो ठीक है, जैसे कि हमने आपका दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, एन ए प्लस एस टू ओ, एन ए ओ एस प्लस एस टू, और एक एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है के सी एल ओ थ्री, पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में के सी एल और ओ टू बनाती है। यह दो एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम कैसे संतुलित करेंगे बच्चों, आओ हम इसे सीखें। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि इसका जो सल्यूशन होगा, आओ इसे हम सीखें। तो जो आपके अभिकारक और उत्पाद हैं बच्चों, उन्हें हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अभिकारक और उत्पाद को किस में लिखेंगे, छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। तो आपका क्या रहा, यदि प्लस एस टू ओ, यानी ओ एच
और प्लस आपका ये टू। बच्चों इसे हमने क्या किया, छोटे कोष्टक में लिख लिया। अब दूसरी क्या करेंगे, हम सारणी बनाएंगे। दूसरा पद क्या है, हम सारणी बनाते हैं। तो यदि हम चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों ने क्या किया, अभिकारक व उत्पाद को छोटे कोष्टक, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने अभिकारक उत्पादक क्या किया, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। इस प्रकार से हमें लिख लेंगे, लिखने से क्या होगी, हमारा डाउट्स भी क्लियर रहेगा और सामने वाले को समझ में भी आएगा हमने कैसे किया है। सेकेंड स्टेप क्या है, सारणी। सेकेंड स्टेप बच्चों हम क्या करते हैं, आपका सारणी बनाते हैं। अब सारणी बनाने के लिए हम चार कॉलम आपको बताए थे, एक क्रम संख्या बच्चों, और एक क्या है तत्व का नाम बच्चों, और एक क्या है आधिकारिक में तत्वों की संख्या है, और एक क्या है आपका उत्पाद में तत्वों की संख्या है। तो सारणी आओ हम बनाएं। तो सबसे पहले बच्चों आपका क्या रहेगा, क्रम संख्या रहेगी, और क्रम संख्या बाद क्या रहेगा बच्चों, आपका तत्व का नाम रहेगा, तत्व का नाम रहेगा, और तत्व के नाम के बाद क्या रहेगा, अभिकारक में तत्वों की संख्या, अभिकारक, अभिकारक में संख्या, और इसके बाद आपको क्या रहेगा, उत्पाद में संख्या। उत्पाद में तत्वों की संख्या लिखे या उत्पाद में संख्या लिखेंगे तो भी आपका सही है। तो ये हमने कॉलम बना लिया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए कितने तत्व हैं, सोडियम एक तत्व आपको ये मिल गया। अगला तत्व बच्चों क्या है आपका, हाइड्रोजन है। तो अगला तत्व आपको क्या मिल गया, आपका हाइड्रोजन मिल गया। फिर आपका क्या अगला तत्व, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आपका वही है, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मतलब आपको तीन क्रम संख्या बनानी होगी, एक दो और तीन, और इसके आधार पर अपने कॉलम को क्या किया आपने, बना लिया। तो जब हमारा आपका कॉलम बन गया, अब हम लिखेंगे आपके तत्वों का नाम, कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम है तो हमने सोडियम लिखा, हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन है तो बच्चों हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों कि सोडियम कितने हैं, एक है अभिकारक में, तो एक लिख दिया, एक लिखा। हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं बच्चों, तो हमने क्या लिखा आपका, दो लिखा। और यदि बात करें बच्चों हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं आपका, एक है, तो हमने क्या लिखा आपका, एक लिखा। और इसी प्रकार से उत्पाद में देखिए ये पोर्शन आपका उत्पाद कहलाता है। तो सोडियम कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन कितने बच्चों, एक है, तो एक लिखे। और हाइड्रोजन कितने बच्चों, तीन है, तो हमने क्या लिखा, तीन लिखा। तो यहाँ पर देखिए गौर से, सोडियम तो आपका एक अभिकारक में भी है, उत्पाद में भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है अभिकारक में, उत्पाद में बच्चों कितना है, एक है, लेकिन हम आपका हाइड्रोजन देख रहे हैं अभिकारक में दो है, और उत्पाद में बच्चों कितना है, तीन है। तो हमें किसको संतुलित करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को, सॉरी हाइड्रोजन को। तो हमने हाइड्रोजन पर टिक कर लिया। अब हम लिखेंगे आपका थर्ड स्टेप, तत्वों का संतुलन। अब थर्ड स्टेप पर हम आएंगे, और थर्ड स्टेप बच्चों आपका क्या है, तत्वों का संतुलन है, तत्वों का संतुलन। तो ये जो आपका तत्वों का संतुलन रहा, इसे हम बच्चों आपका कैसे करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे असंतुलित तत्व कौन है। तो ये हाइड्रोजन है बच्चों, तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले आपका हाइड्रोजन का संतुलन, क्या लिखें बच्चों हम आपका, हाइड्रोजन का संतुलन। अब बच्चों हम आपका हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करेंगे और इसके बारे में हम सीखें। तो सबसे पहले हमने बताया था, जब भी किसी तत्व का आप संतुलित करने चलिए, तो सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर लिखिए। तो हम आपकी रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या है आपका Na प्लस H2O
एरो का साइन है बच्चों, इसके बाद क्या आपका एन ए ओ एच है और क्या बच्चों आपका एच टू है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितने हैं, तीन है, यहाँ पर कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके तीन हाइड्रोजन है। अब आपको संतुलित करना है, आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किसका बच्चों, आपका यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो किस तरीके से हम बराबर कर सकते हैं? अगर यहाँ पर आपका दो का मल्टीप्लाई कर दे तो दो दोनी क्या होगा, चार हो जाए, ये पाँच आ जाए, आठ आ गया, और आठ आ गया तो हम इसे संतुलित कर ही नहीं पाएंगे आपका। तो प्रयास करेंगे आपका क्या है, इवेन आए, तो इवेन आए सम आए, तो यहाँ पर दो का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे आपका, दो का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो हो गए आपके, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बच्चों आपका, तीन है। तो यदि हम यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो दो यहाँ पर हो गए और दो यहाँ पर हो गए बच्चों, तो मतलब और यहाँ पर हम किसका कर दें, दो का मल्टीप्लाई कर दें, दो दोनी चार, और दो यहाँ पर हो गए, दो दो कितने हो गए बच्चों, चार हो गए। तो मतलब आपका हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, और हाइड्रोजन संतुलित हो गया तो इसके बाद कौन असंतुलित हो गया, ऑक्सीजन बच्चों देखिए यहाँ पर दो हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों क्या है आपका, दो है, तो मतलब ये तो संतुलित है आपका। सोडियम बच्चों यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक है, तो मतलब अब आपका एक बचा वह है बच्चों आपका सोडियम। तो आओ हम करते हैं अब सोडियम का संतुलन। तो सेकेंड स्टेप में आपका सेकेंड पॉइंट हम जो लेंगे आपका वो क्या लेंगे बच्चों, सोडियम का संतुलन। अब बच्चों आपका सोडियम का संतुलन हम कैसे करेंगे, तो आपके जो इक्वेशन दिया है उसे हम लिखेंगे यानी प्लस, देखिए आप दो को मल्टीप्लाई कर चुके तो उसे भी लिखेंगे, टू यस टू ओ, एरो का साइन बच्चों, और टू एन ए ओ एच और प्लस यस टू, ये बच्चों आपका हम लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर भी आपको क्या है, दो है। अब हमें संतुलित करना है सोडियम को, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दो का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर सोडियम के पास, तो बच्चों आपका सोडियम भी क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो कहने का क्या मतलब निकला, अब आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो आप कह सकते हैं अब दिया गया समीकरण, दिया गया असंतुलित समीकरण अब क्या है बच्चों आपका, संतुलित है। तो आप लास्ट में इसे लिख दीजिएगा आप संतुलित समीकरण, चाहे आप लिखिए दिया गया समीकरण अब संतुलित है, और चाहे ऐसे ब्रैकेट बना करके आप लिख दीजिएगा संतुलित समीकरण। तो नाउ ये आपका क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, ये आपका बच्चों संतुलित हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग क्वेश्चन सेकंड, अब हम इसे देखेंगे क्वेश्चन सेकंड आपका बच्चों कैसे करेंगे। तो हियर इज KClO3 पोटेशियम क्लोरेट मैंगनीज डाई ऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्या बनाता है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम आपका क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद को किस में लिखते हैं आपका, कोष्टक में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। और इसके बाद आपका हम क्या करते हैं, दिए गए तत्वों की सहायता से हम सारणी बनाते हैं, और सारणी बनाने के बाद बच्चों तत्वों को हम क्या करते हैं आपका, संतुलन करते हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी हम आपका करेंगे। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम लिख लेंगे आपका अभिकारक और उत्पाद को। फर्स्ट स्टेप क्या बच्चों आपका, अभिकारक व उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद को छोटे अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्टक में बच्चों लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका हम ये करेंगे, अभिकारक उत्पाद को किसमें लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। तो आपका क्या है, ये पोर्शन आपका बच्चों अभिकारक है और ये पोर्शन आपका क्या बच्चों, उत्पाद है। तो आइए KClO3 इसे हमने क्या लिख दिया, छोटे कोष्टक में थे बच्चों, और एरो पे जो रहेगा जो कहते हैं उसे हम रहने देंगे, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
MnO2 KCl भी आपके बच्चों हम इस प्रकार से लिख लिए और प्लस O2 इसको भी बच्चों हम छोटे ब्रैकेट में लिख लिया आपका। देखिए यहाँ तक तो आपका हो चुका था। अब सेकेंड स्टेप बच्चों हम क्या करेंगे, इसका सारणी बनाएंगे। तो आइए सारणी बनाते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या रहा आपका, सारणी रहा। तो हमने आपका सारणी बनाया। अब सारणी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बच्चों जैसे यहाँ पर बनाए हैं क्रम संख्या लिखेंगे, फिर तत्व का नाम लिखेंगे बच्चों, फिर अभिकारक में संख्या लिखेंगे और फिर उत्पाद में संख्या लिखेंगे। तो आ जाइए सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा आपका, क्रम संख्या लिखा और इसके बाद बच्चों क्या लिखा हमने आपका, क्रम संख्या। इसके बाद बच्चों हमने क्या लिखा आपका, तत्व का नाम लिखा, तत्व का नाम लिखा बच्चों। इसके बाद हमने आपका क्या लिखा, अभिकारक में संख्या। क्या लिखा बच्चों आपका, हमने अभिकारक में संख्या। और इसके बाद बच्चों हमने क्या लिखा आपका, उत्पाद में संख्या, उत्पाद में संख्या। तो आइए इसका हम आपका कॉलम बना लेते हैं। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं आपके पास कितने तत्व हैं। यदि हम बात करें तत्वों की संख्या की, तो एक आपका क्या है, पोटेशियम। बच्चों पोटेशियम को लिखते हैं के, क्यों लिखते हैं, क्योंकि लैटिन में पोटेशियम क्या कहा जाता है, केलियम। और सोडियम को बच्चों क्या कहा जाता है आपका, नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए हम सोडियम को Na लिखते हैं और पोटेशियम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका नाम लैटिन में हो चुका था, तो इसलिए ये बात रही आपकी। तो क्रम संख्या कितने तत्व हैं, एक दो और तीन तत्व हैं, तो आप तीन क्रम संख्या लगाएंगे, एक दो और तीन। एक बच्चों दो रहा आपका और एक क्या रहा आपका, तीन रहा। कहने का मतलब अब आपकी साड़ी रेडी हो गई। या कि बच्चों साड़ी रेडी हो गई, तो कौन सा तत्व है सबसे पहले, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम लिखिए, क्लोरीन मिला तो बच्चों क्लोरीन लिखिए, ऑक्सीजन लिया तो आपका ऑक्सीजन लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक में कितने पोटेशियम, एक पोटेशियम है, तो यहाँ बच्चों एक लिखिए। कितने क्लोरीन है, एक है, तो एक लिखिए। कितने ऑक्सीजन है, तीन, तो आप कितने लिखिए, तीन लिखिए। आज ये उत्पाद में कितने पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है और दो ऑक्सीजन है बच्चों, तो ये हमने आपका लिख लिया। अब इनको हम क्या करेंगे बच्चों, इनको हम करेंगे संतुलित। अब कैसे करेंगे आओ सीखें। तो इनको संतुलित करने के लिए आपका हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप तत्वों का संतुलन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे थर्ड स्टेप, तत्वों का संतुलन, तत्वों का संतुलन। अब देखिए बच्चों यहां पर कौन सा तत्व आपको असंतुलित दिख रहा है, तो आपको डायरेक्टली देख कर लगेगा हाँ भाई साहब कौन सा संतुलित है आपका, कौन सा आपका असंतुलित है, तो ऑक्सीजन दिख रहा है असंतुलित है, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे बच्चों, संतुलित करेंगे। तो आ जाइए अब हम यहाँ पर लिखेंगे आपका पॉइंट फर्स्ट, ऑक्सीजन का संतुलन। क्या लिखेंगे बच्चों आपका, हम ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन का बच्चों क्या लिखेंगे, संतुलन। तो ये रहा बच्चों आपका ऑक्सीजन का संतुलन। तो ऑक्सीजन को हम कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए आपका जो इक्वेशन है जो कहते हो यहाँ पर आप लिख लीजिए। सबसे पहला काम यही किया करिए, जो इक्वेशन है आप लिख लीजिए। तो इक्वेशन आपका क्या है, KClO3, KClO3 एरो का साइन बच्चों, और KCl और आपका O2, ये आपका इक्वेशन है। और छोटे कोष्टक लिखे हैं तो आप इसे छोटे कोष्टक में लिख लीजिए। अब बच्चों आप देखिए यहाँ पर हमें करना है ऑक्सीजन का संतुलन, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर बच्चों कितना है, दो है। अब देखिए यहाँ पर तीन वहाँ पर दो, तो कहने का मतलब यहाँ पर तो आपका इवन है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ऑड है। सम यहाँ पर है, यहाँ पर जो कि आपका विषम है। अगर इसको आपको संतुलित करना है तो कैसे करेंगे,
यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दें तो तीन दुनी कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। और यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई करें, तीन दुनी कितना हो जाएगा बच्चों, छः हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब निकला, यहाँ पर कीजिए दो का मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर दिए बच्चों किसका मल्टीप्लाई, तीन का मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन तो आपका संतुलित हो गया, और जैसे ऑक्सीजन संतुलित हुआ वैसे पोटेशियम असंतुलित हो गया, और क्लोरीन भी आपका क्या रहा बच्चों, असंतुलित हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो आपका सोडियम पोटेशियम है, दो क्लोरीन है, और यदि यहाँ पर हम दो का मल्टीप्लाई करते तो वो भी हो जाएगा आपका संतुलित। तो आइए अगले स्टेप में आपका हम ये करते हैं। तो अगला क्या रहा बच्चों आपका, आप एक को संतुलित करेंगे तो अगला अपने आप हो जाएगा। देखिए पोटेशियम का संतुलन हमने क्या लिखा बच्चों आपका, पोटेशियम का संतुलन। तो पोटेशियम का संतुलन हम कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम जो आपकी इक्वेशन दिया उसे आप लिख लीजिए, के सी एल ओ थ्री, एरो का साइन बच्चों, के सी एल आप के सी एल लिखिए, और प्लस ओ टू आप ओ टू लिखिए। देखिए आपका यहाँ पर जो ओ है कितने ओ है, तीन थे तो हमने यहाँ पर तीन कर लिया आपका, ये आपका टू था तो हमने टू कर लिया। अब पोटेशियम का संतुलित करें, पोटेशियम दो है यहाँ बच्चों, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, दो का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही दो का हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपका क्लोरीन भी संतुलित हो गया। तो देखिए आप कितने पोटेशियम आपके, दो पोटेशियम दो क्लोरीन है बच्चों, तो दो पोटेशियम दो क्लोरीन ये तो संतुलित। ऑक्सीजन देखिए तीन दुनी छः और तीन दुनी छः, तो मतलब क्या निकला, दिया गया रासायनिक समीकरण अब आपका क्या रहा बच्चों, संतुलित हो गया। तो ये हम इसे लिखेंगे संतुलित समीकरण। तो क्या लिखें बच्चों, संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां से मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैग्नीज का है, आपने सॉरी मैग्नीशियम का है जो आपने इससे पहले पढ़ लिया। और इसके बाद ये सेकेंड पॉइंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपका ये सेकेंड पॉइंट का इंपॉर्टेंट रहा आपका, और इसके बाद आपका इसे आप इंपॉर्टेंट दीजिएगा। ये तीनों रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर के जरूर मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट बचा हो बच्चों तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जय हिंद जय भारत, अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।